स्टार्ट देर आए पर दुरुस्त आए विराम। संसद सत्र समय से पहले समाप्त कर सरकार ने ठीक किया विराम। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है वह संकट और अनिश्चितताओं से भरा है। ऐसे में जब सरकारी निजी कार्यालय बंद हो, न्यायपालिकाओं का काम ठप पड़ा हो, हवाई जहाज रेल सेवाएं स्थगित हों, तो संसद का चलना समझ से परे था विराम। देश ही नहीं दुनिया जिस चुनौती से जूझ रही है वह भयावह है। किसी को नहीं पता कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है, तो राजनीतिक घटनाक्रम के कई मायने नहीं रह जाते विराम। अनेक मौकों पर बजट को बहस की खानापूर्ति के बाद पारित किया गया है। आज राजनेताओं की जरूरत संसद में बैठने की नहीं, अपने अपने क्षेत्र में जाकर जागरूकता पैदा करने की है। एक दिन के जनता कर्फ्यू से बात बनने वाली नहीं है। चीन, इटली, स्पेन, ईरान और अमेरिका ने जो गलतियां की उनसे बचने की भी जरूरत है और सख्त कदम उठाने की भी विराम। दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि संकट की घड़ी में राजनीतिक दल एक साथ खड़े हैं। पिछले दिनों कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के राजनीतिक संकटों से एवं CAA से उत्पन्न हुए राजनीतिक गतिरोध से राजनीतिक वैमनस्यता बढ़ी है। जरूरत उसे भुलाने की भी है विराम। आज जैसा संकट देश ने शायद ही पहले कभी देखा हो, इसलिए संकट जितना गहरा है तैयारी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें जिस गंभीरता से स्थिति को संभाल रही है वह भी प्रशंसा के लायक है। कोरोना से लड़ाई में न सरकार और विपक्ष नजर आ रहे हैं और न भाजपा, कांग्रेस अथवा सपा बसपा। राजनीतिक संघर्ष के लिए और अवसर आएंगे। केंद्र सरकार जिस तरह राज्य सरकारों के संपर्क में है उसी तरह राजनीतिक दलों के संपर्क में भी रहना चाहिए। अनेक मौकों पर संकट के समय देश दो पालों में भी खड़ा नजर आया है। उस पालेबंदी को तोड़ने की पहल का भी ये समय है। काम सिर्फ संसद सत्र को समाप्त करने से चलने वाला नहीं है। राजनीतिक दलों के अपने अभियानों में भी टालना होगा। गुजरात के कांग्रेस के विधायक सप्ताह भर से जयपुर के होटल में हैं। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद नई सरकार के गठन की कवायद रंग लाई है।
ऐसे घटनाक्रमों को भी विराम देने की जरूरत है। लॉकडाउन का अर्थ सिर्फ लॉकडाउन होना चाहिए, आम जनता के लिए भी तो संसदों और विधायकों के लिए भी। सांसद विधायक निधि की राशि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में कैसे किया जाए, इसके रास्ते भी तलाशे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आमजन को लगना चाहिए कि हमारे राजनेता कुर्सी के लिए भले ही कितना भी क्यों न लड़ते हों, लेकिन बात जब मानवता के दुश्मन से लड़ने की हो तो उन्हें एक साथ खड़े होने की कला भी आती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक समरसता की एक नई शुरुआत भी हो सकती है। विराम सिद्धांतों और विचारधारा की राजनीति आज सत्ता पाने की होड़ तक सिमट गई है। इसे मूल्यों की राजनीति की तरफ ले जाने की आवश्यकता है। ऐसी राजनीति जिसमें एक दूसरे को सुनने समझने की बात विकसित हो। कोरोना से संघर्ष में राजनेता नई समझ विकसित कर सकें तो आने वाले समय के लिए देश अनेक समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। विराम।